सवाल कई सारे हैं। भाजपा नेता को धमकाने वाला आरोपी आखिर है कहां? किस तरीके से हनी ट्रैप के जाल में फंसा कर कैसे अरबपति बना? मारूफ एक बाइक से कैसे ऑडी वाला बन गया? कैसे किराए के कमरे से आलीशान हवेली का मालिक बन गया? धमकीबाज से कैसे अपनी नेटवर्क कई स्टेट तक उसने फैलाई? कभी है कभी बाइक पर चलने वाला इस अरबपति जालसाज की क्या हो सकती है कहानी? क्योंकि यह आसान नहीं होता कि बाइक से सीधे आप ऑडी पर आ जाएं। एक छोटे से कमरे में आप अपनी जिंदगी गुजारने की बात सोचते हो और अचानक से आपके पास आलीशान हवेली आ जाए, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। धमकीबाज ने कैसे अपना नेटवर्क कई स्टेट तक चलाया? क्योंकि अकेले धमकीबाज के बस की बात ये नहीं थी, नेटवर्क को अलग अलग स्टेट में फैलाना था और उसके बाद एक बड़ी साजिश रचनी थी, बड़ा हनी ट्रैप करना था। अब ऐसे में क्या इसके पीछे की कहानी है, उस कहानी को जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे वो ऑडी आई, कैसे वो आलीशान हवेली आई, कैसे वो उसका मालिक बना और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, कई स्टेट तक कैसे उसका नेटवर्क फैला, बाइक पर चलने वाला अरबपति जालसाज की आखिर क्या है कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। बेहद शातिर मारू कब बाइक पर चलते चलते ऑडी और मर्सिडीज में चलने लगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। श्रम कल्याण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष भाजपा नेता सुनील भराला को धमकी दिलाने के मामले में जैसे ही मारूफ का नाम सामने आया तो मारूफ के काले चिट्ठे भी सामने आने लगे हैं। 25,000 का इनामी मारूफ हापुड़ के तोड़पुर गाँव का रहने वाला है। 2012 में मारूफ के पास यामाहा बाइक थी। परिवार बरसों पहले गाजियाबाद के मसूरी आकर बस गया, वैशाली में किराए पर रहने लगा और उसी किराए के मकान को कब्जा कर लिया, फिर डरा धमका कर कौड़ियों के दाम में जमीन ले ली। धमकीबाज मारूफ ने फिर दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में करोड़ों रुपए की कोठी किराए पर दिखाकर मीट कारोबारी हनीफ की बेटी जेबा से निकाह कर लिया। दहेज में ऑडी और फोर्स गाड़ी मिली, लेकिन जल्द भेद खुल जाने पर जेबा मारूफ से अलग हो गए। अपने फ्रॉड सिंडिकेट के साथ साथ मारूफ ने हनी ट्रैप का सिंडिकेट भी चलाया। बताया जाता है कि कुछ सफेदपोश बिल्डर्स और अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर करोड़ों अरबों रुपए कमाए, न्यूज चैनल का भी मिसयूज किया और उत्तराखंड में करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। मारूफ की नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और उत्तराखंड में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। आरोप कई तरह के लगे। लखनऊ, दिल्ली और उत्तराखंड में सफेद पोशों और नौकरशाही के मजबूत घुसपैठ के सहारे मारूफ फर्श से अर्श पर पहुंच गया। मेरठ से वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।